आधार विश्वास ही लड़ रहे हैं। आपको किसने कहा? आपका सुझाव है तो मैं जरूर दे दूंगी। ससुराल ससुराल जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी ने अपने लगभग 36 से ऊपर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। 200 की 200 सीटों पर हमारी पूरी कोशिश है हम चुनाव लड़ें। उस चुनाव के लिए हम आम आदमी को तैयार कर रहे हैं। हम बहुत से डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर और बहुत से युवा, पढ़े लिखे युवाओं को हम तैयार कर रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ें, जीतें और विधानसभा पहुँच के सत्ता के साथ व्यवस्था परिवर्तन करें। क्योंकि भाजपा कांग्रेस, कांग्रेस भाजपा से लोग तंग आ चुके हैं, किसी से भी लाभ नहीं हुआ। पहले कांग्रेस की सरकार थी, त्रस्त हो गए तो भाजपा की सरकार आ गई। आज भाजपा से परेशान है तो सोच रहे हैं वापस कांग्रेस पे जाएं, तो लोग तैयार नहीं है, लोग विकल्प की तलाश में। और आम आदमी पार्टी अपने दिल्ली के 3 साल के जो काम है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी, राशन, इन सब चीजों के आधार पर जो है अपना चुनाव राजस्थान की सभी सीटों पर लड़ रहे हैं। और पूरी उम्मीद है कि राजस्थान का आम आदमी चुनाव लड़ेगा, लड़वाएगा, वोट भी करेगा और सत्ता परिवर्तन करके अपना आगे। कितने उम्मीदवार घोषित कर चुके? मैंने बताया आपको, 36 से ऊपर कर चुके हैं। हमारे 50 उम्मीदवार हम इस जल्द घोषित करने वाले हैं और इस महीने के अंत तक हम अपने पूरे उम्मीदवार घोषित कर चुके होंगे। उम्मीदवार तैयार कर रहे हैं? नहीं, किस तरह के, जो ईमानदार हो, जिसके लिए, जिसको राजस्थान के लिए एक उसका विजन हो कि राजस्थान कैसा राजस्थान देखना चाहते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त किसान, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान देखना चाहते हैं, किसान को कर से मुक्त देखना चाहते हैं, युवाओं के हाथ में जो है रोजगार देखना चाहते हैं, हमारी माँ बहन बेटियाँ जो असुरक्षित है उसे सुरक्षित, ऐसा राजस्थान की परिकल्पना हम सब आज तक कर रहे हैं। महिलाएं आज भी कहती हैं आपकी सरकार आएगी मैं वोट दूंगी, पानी दे दीजिएगा। तो बहुत दुख की बात है कि आज भी 70 सालों बाद लोग पानी, अच्छी स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो है वो संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पर। धन्यवाद।